भूमि के प्रकार व भूमि के आकार ये कैसे होते हैं, ये आपको महावास्तु में नहीं कराया गया होगा, ये अधिकतर तीन चार दिन में नहीं कराया भी नहीं जाता है। कितना करा दिया जाएगा, कितना टच कर जाएंगे, कितनी चीजों को टच करेंगे, ये इसके लिए समस्या रहती है। चार दिन में आपको वास्तु कराना भी सिखा दें, उसके बाद ये सारी चीजें, इसमें इतना कुछ नहीं हो पाता है। कईयों को खुद ही नहीं आता होता है, उन्होंने कर लिया, उन्होंने फिर देना शुरू कर दिया, उन्होंने खुद भी नहीं सीखा, और जो उनको ऊपर से मिला, अब एक लोग हैं जिनको, जिन्होंने ये सब किया हुआ है, उनको तो अच्छा खासा आता होगा, पर उसके बाद मुझे बहुतों में ऐसा नहीं दिखता, जो बड़े बड़े नाम भी हैं उसमें ऐसा नहीं दिखता कि ये मेहनत करके आए हुए हैं। वास्तु से पहले हम थोड़ा समझ लें कि वास्तु की एनर्जी क्या होती है। वास्तु के इसमें कुछ नए लोग भी होंगे और वास्तु के पुराने लोग भी होंगे जो अभी देख रहे होंगे। वास्तु में आप जब भी वास्तु करिए और वास्तु फील्ड से जुड़िए, अभी यहां पर जो मैं बता रहा हूं, यहां पर अगर मैं सिखा रहा हूं तो इस फील्ड से जुड़ने के लिए, अपने घर में करने के लिए तो मैं सिखा ही नहीं रहा, और अपने घर में कभी करिएगा भी मत, अपने घर में खुद मत करिएगा, दूसरे से कराइए, अपने घर में आप दूसरे से कराइए, खुद करना आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात रहेगी, और आप उन चीजों को नहीं पकड़ पाएंगे जब तक आप मास्टर नहीं हो जाते हैं, उन चीजों को नहीं पकड़ पाएंगे जो वास्तु में करना चाहिए। अब वास्तु में केवल किताबी नॉलेज लेकर तो आप जाइएगा मत, किताबी नॉलेज लेकर जाने का मतलब केवल यही रह जाएगा, आप केवल किताबी नॉलेज लेकर गाना सीख लें, आप किताबी नॉलेज लेकर तैरना सीख लें, इसी टाइप में हो जाएगा, किताबी नॉलेज लेकर आपको नहीं हो पाएगा इसमें। वास्तु या कोई भी ओकल्ट साइंस जो है ना, वो सात्विक एनर्जी से संबंधित है। देखिए, तीन एनर्जी के बारे में मैंने पहले बताया था, इससे पहले जो बताया था वो तीन एनर्जी के बारे में बताया था, रजस, सत्व और तम। ये वास्तु और इस टाइप की जितनी भी विद्याएं हैं वो सात्विक एनर्जी से शुरुआत होती है इनकी। अगर किसी भी तरह से आदमी इस एनर्जी पे नहीं होता है और ये समझता है कि मैं किताब पढ़ लूंगा और फिर किताब पढ़ के कुछ दे दूंगा, तो ये शास्त्र उसके लिए है ही नहीं। इस टाइप से वो ना जाए, दूसरों के साथ चीट ना करे तो ज्यादा अच्छा है। एक दो जगह, दस पांच जगह में से एक दो जगह कहीं पर रिजल्ट आ जाता है तो ये उसकी किस्मत, या इसकी कभी कोई किस्मत, या इसकी कोई ऐसी प्योरिटी जिससे वो रिजल्ट आ गया। थोड़ा एक आप लोग कर लीजिए, जैसा मैं हूं, जिस तरह से मैं शुरुआत करता हूं, आपको भी समझा रहा हूं, आप इस विद्या को प्रणाम करिए, मैं भी प्रणाम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं, जितने भी लोग हैं उनको प्रणाम करता हूं, जितने भी, जितनी दिशाएं हैं ज्ञात अज्ञात, जो मुझे पता है या जो मुझे नहीं पता है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, और ये ज्ञान डिलीवर करने के लिए मैं आप लोगों से अनुमति लेना चाह रहा हूं, आप लोग भी मुझसे अनुमति ले लें ये ज्ञान लेने के लिए। हम दोनों एक दूसरे के बने रहेंगे तो मैं आपको ये ज्ञान जितना हो सकता है, जितना आप समझ सकते हैं, आप केवल ध्यान नहीं समझ सकते, इंट्यूशन नहीं समझ सकते, तो वो मैं समझा नहीं सकता हूं क्योंकि वो करने की चीज है। उससे नीचे का ज्ञान तो मैं वास्तु से संबंधित आपको दे ही दूंगा, देवता वगैरह जो भी है ना, सब दे दूंगा मैं। भूमि के चार प्रकार होते हैं, कभी भी जमीन आप जो देखेंगे ना, जमीन के चार प्रकार होते हैं, और जमीन से भी पहले, थोड़ा सा पहले चलिए, पृथ्वी के चार प्रकार होते हैं। पृथ्वी शरीर है ना, इसको भी चार वर्णों में बांटा गया है, इसके चार प्रकार होते हैं भूमि के, पृथ्वी के चार प्रकार होते हैं, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ये जो मनु महाराज ने चार भाग में बांटा हुआ है, ये चार भाग में बांटने, ये बहुत साइंटिफिक है, साइकोलॉजिकल है, बहुत साइंटिफिक है। इसी तरह से एक फॉरनर है, कार्ल गुस्ताफ जुंग, उन्होंने छाया एनर्जी की चर्चा की है। छाया एनर्जी, सभी चीजों में छाया एनर्जी पाई जाती है, इस पे हम कभी आगे चर्चा कर लेंगे। कार्ल गुस्ताफ जुंग ने इस पे किया है, उन्होंने भी जब मानवता को बांटना चाहा, उन्होंने जब शरीर को, मानव शरीर को बांटना चाहा, तो चार वर्ण में ही बटा, उनका भी ये इसी वर्ण में बटा, इसको उन्होंने अलग अलग नाम दिया, उन्होंने डेफिनेशन दी इसकी कि इस तरह से बांटा जा सकता है इंसान को। इस पांचवा वर्ण उनको भी नहीं मिला, मनु महाराज ने भी यही दिया था, चार वर्ण में दिया, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। भूमि को भी इन चार वर्णों में बांटा गया, क्योंकि वास्तु बहुत पुराना शास्त्र है, पुराने शास्त्र होते हुए इसको नएपन तक हमारे बीच में खुशदीप बंसल सर ने लाए,
और ये महावास्तु के रूप में लाए, अपडेट तो उन्होंने नहीं किया। इससे पहले बहुत सारा अपडेशन हो चुका है, बहुत सारे इसके एक्सपीरियंस ले चुके हैं लोग। आप मैमत देखेंगे, मानसार देखेंगे, विश्वकर्मा प्रकाश देखेंगे, स्पंद तालिका देखेंगे, बहुत सारे ऐसे बहुत सारे नाम हैं जहां पर आप ले चुके इसमें। और ये सब आज थोड़ी ना आए हुए हैं, ये सारे बुक्स जो है ना, ये बहुत पहले से आए हुए हैं और सदियों पुराने हैं। ये हमारा हिंदुस्तान कुछ सौ साल का मतलब ये है कि 11वीं सदी के बाद, अधिकतर 11वीं सदी में भोज परमार नामक एक राजा ने, उन्होंने लिखा था, एक ग्रंथ लिखा था। और उस ग्रंथ के बाद वास्तु पे ग्रंथ नहीं लिखा गया, सम्रांगन सूत्रधार के नाम से, उसके बाद वास्तु पे नहीं, उसके बाद अधिकतर ये देश मुगलों के चंगुल में चला गया। फिर मुगल के बाद धीरे 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 हमारी संस्कृति खत्म होती चली गई, अब धीरे धीरे आ रही है, धीरे धीरे आ रही है। तो इसको, मेरा मानना यह है कि इसको हम प्योर करके चलें। जो आदमी मेडिटेशन में ही नहीं है, पहले कौन शास्त्र बनाता था, इसको ध्यान करिए, पहले जो शास्त्र बनाता था वो ऋषि होते थे, जितने भी ऋषि हैं उन्होंने शास्त्र दिए हैं। आज का कौन सा आदमी शास्त्र दे रहा है और कैसे बना के दे रहा है? चलिए, भूमि के चार प्रकार होते हैं, ब्राह्मण भूमि, वैश्य भूमि, क्षत्रिय भूमि और शूद्र भूमि। अब आज के टाइम में आप लोग शहरवासी को कहीं से भी भूमि के प्रकार नहीं मिलने वाले हैं। ब्राह्मण भूमि का जो परिभाषा दिया हुआ है वो श्वेत वर्ण हो, सफेद टाइप में जो भूमि हो, जो मिट्टी सफेद टाइप में हो, मिठास हो उसमें, वो ब्राह्मण भूमि। क्षत्रिय भूमि भी इसी से मिलती जुलती है, रक्त रंजित हो, रक्त टाइप में हो, लाल कलर की भूमि आपने देखी नहीं होगी, लाल कलर की भूमि नहीं होती, भूमि तो सफेद ही होती है, सफेद मिट्टी, चिकनी मिट्टी होती है, येलो टाइप से थोड़ा नीचे और मटमैले कलर टाइप में, मटमैला कलर जो होता है ना, मटमैला ईंट के कलर जैसी जो भूमि होती है वो क्षत्रिय भूमि होती है, क्षत्रिय भूमि कहते हैं उसको। पीले कलर की जो भूमि होती है उसको वैसे भूमि कहते हैं, और काले कलर की जो भूमि होती है, कलर के हिसाब से, जो हमने इसको कलर के हिसाब से डिफाइन किया, स्वाद के हिसाब से डिफाइन किया, इसको गंध के हिसाब से डिफाइन किया, चार प्रकार के भूमि को। जो बिल्कुल ब्लैक कलर की भूमि होती है, काले कलर की भूमि होती है, इसको शूद्र भूमि कहते हैं। आप लोग कैसे समझेंगे, मैंने जो खोज किया है, मेरा जो रिसर्च है उसमें आप लोग कैसे समझेंगे ये बताता हूं मैं। क्योंकि आप जहां भी जाते हैं या तो बने हुए पे जाते हैं, अगर बिना बने हुए पे जाते हैं तो वो बहुत सारा शास्त्र आपको आता ही नहीं होगा, बिना बना हुआ मकान फिर कैसे करके डिजाइन करेंगे। ये जो चार प्रकार की भूमि है, मैंने जो निकाला है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो बताता हूं। आप कहीं किसी के घर में बाथरूम में चले जाइए, बाथरूम में जहां पर टैप हो जिससे पानी नीचे गिरता है, कहीं भी जाएंगे तो इस तरह का होता ही है। एक तो वॉश बेसिन में मत जाइए, बाथरूम में जहां पर पानी नीचे गिरता है, आप टैप को चालू करिए और पानी नीचे गिरते हुए देखिए। एक जमीन, ऐसी जमीन आपको बहुत कम दिखेगी निवास स्थान में, पानी गिरेगा नीचे, जैसे पानी आपका, आपने टैप खोला, पानी नीचे गिरता है, वो पानी अपने आप लगेगा, जमीन ने उसको ले लिया, कहीं से जमीन उसको ग्रहण कर रहा है उस पानी को, ये ब्राह्मण भूमि है। आपको ये मिलेगा, इस टाइप की भूमि हो सकती है आपको कम दिखे। दूसरे टाइप जो क्षत्रिय भूमि है, इस टाइप की भूमि आपको ज्यादा दिखती है। क्षत्रिय भूमि कैसी होती है, आप टैप चलाएंगे उस पर पानी गिरेगा और आपका जो पैर है ना, घुटने तक गीला हो जाएगा, आप देखिएगा अधिकतर, अब तक आपने देखा होगा, अब देखने की कोशिश करेंगे इस निगाह से। जो आप टैप चलाएंगे, टैप चलाने के बाद जो पानी गिरता है ना, जमीन पे पानी गिरता है, क्योंकि अब आपको मिट्टी नहीं दिखती कहीं पर, मिट्टी निकाल के देखेंगे कैसे उसको करेंगे, उस पर टैप चलिए, पानी गिराएंगे तो पानी की का जो छींटा उड़ता है वो आपके घुटने तक पड़ता है, घुटने से ऊपर भी पड़ता है, आपको ऐसा लगता है कि पैर सिकोड़ना पड़ता है। एक भूमि ऐसी होती है जहां पैर सिकोड़ने की जरूरत नहीं होती, आप हाथ धो के ऐसे ऐसे करके चले जाते हैं। एक भूमि ऐसी होती है जहां आपको पैर पीछे करना पड़ता है, पैर पे पानी पड़ रहा है ये आपको महसूस होता है, आपके जूते भी गीले हो जाते हैं, जूते तो ढंग से गीले हो जाते हैं, पैंट पे भी पानी आने लगता है, वो भूमि है क्षत्रिय भूमि, रिवर्ट करता है ये।
निवास स्थान के लिए क्षत्रिय भूमि वैश्य भूमि दोनों भूमि बहुत अच्छी भूमि होती है, पर जिसमें जिस भूमि में क्षत्रिय गुण ज्यादा होते हैं वो भूमि उस घर में, आप पहले ही समझ लो, भूमि को देख के समझ जाओगे ये इस घर में क्या क्या हो रहा होगा। आप पहले बाथरूम चले जाओ, भूमि को देख के समझ जाओगे इस घर में हो क्या रहा होगा। आपने क्षत्रिय भूमि देख लिया, वैश्य भूमि आप देखेंगे, वही पानी जो आपने टैप चलाया, जो ब्राह्मण भूमि है, ब्राह्मणी भूमि है, ब्राह्मणी जमीन है, उसी टाइप की भूमि होगी, मगर वो पानी फैल जाएगा वहां पर ज्यादा देर दूर तक। आप उतने में ही देखेंगे आपको वैश्य भूमि कम दिखाई देता है, आजकल जो वैश्य भूमि है वो दिखाई कम देती है, आपको क्षत्रिय भूमि ज्यादा दिखाई देगी। और चौथी प्रकार की भूमि है शूद्र भूमि। शूद्र भूमि पे काम ही नहीं होता, आपको शूद्र भूमि दिखाई नहीं देगी, काली मिट्टी आप देखने कहां जाएंगे। जितने भी प्रोजेक्ट रुक गए होते हैं, जितने भी प्रोजेक्ट काम के नहीं होते हैं, जितने भी आप जहां जहां पर आपको वहां काम करने ही नहीं बुलाया जाएगा शूद्र भूमि पे। एक ब्राह्मण भूमि पे काम करने नहीं बुलाया जाएगा, एक शूद्र भूमि पे काम करने नहीं बुलाया जाएगा वास्तु वालों को। वो चाहे परेशान रहेंगे या चाहे दूसरे किसी वर्ण में चले जाएंगे, किसी और के पास वो भूमि होगी, शूद्र भूमि पे आपको काम करने बहुत कम बुलाया जाएगा। वो भूमि उर्वरक नहीं होती, वो भूमि उपजाऊ नहीं होती, वो भूमि भूमि ही नहीं होती। उसमें अगर पेड़ पौधे भी उगे ना तो एक भी काम का पेड़ पौधा नहीं उगेगा, काम का एक भी पौधा नहीं उगेगा, ऐसी झाड़ फानूस कुछ भी उगता जाएगा, काम का कुछ नहीं उगेगा उसमें। ये शूद्र भूमि है। ये वर्ण भी चार तरीके से ऐसे ही बांटा गया था, ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय और शूद्र। ब्राह्मण वो होता है जो खोजी हो, जो खोज करे, किसी भी वर्ण से रहे, जरूरी नहीं है कि ये वर्ण केवल पंडित कुल में जो पैदा हुआ वो ही ब्राह्मण होगा, वो किसी भी वर्ण से रहे, खोजी होना चाहिए, किसी भी बात पे खोजे, आगे वो खोजने लगेगा कि आगे करना क्या है, आपको खोज के कुछ देगा, उसके लिए उसे चाहिए नहीं चाहिए इसे मतलब नहीं है, उसका काम अपने आप ईश्वर चलाता रहता है, खुद ही ब्राह्मण है, उसका काम कौन रोकेगा। दूसरा होता है क्षत्रिय। क्षत्रिय अपने सामर्थ्य के दम पे कुछ करना चाहते हैं, जो भी करेगा ना सामर्थ्य, अगर ईश्वर को भी पाएगा, अगर क्षत्रिय कभी ध्यान के स्पिरिचुअल क्षेत्र में जाएगा तो ध्यान में जाएगा, वो ध्यान सामर्थ्य से पाने वाली बात होती है हमेशा ही। क्षत्रिय जब भी जाएगा ना इसमें, इसी से आप भूमि को कनेक्ट कर लीजिएगा, मैंने इसलिए मैं थोड़ा सा डेफिनेशन दे देता हूं ये वर्ण होते क्या है। क्षत्रिय जब भी इसमें कभी जाएगा तो सामर्थ्य से पाना चाहेगा, जो भी किसी भी चीज को चाहेगा, ईश्वर को भी चाहेगा तो सामर्थ्य से पाना चाहेगा। वैश्य जब भी किसी को देखेगा, अगर वो कभी ईश्वर को भी देखेगा तो लक्ष्मी नारायण के रूप में देखेगा, लक्ष्मी पहले देखेगा नारायण बाद में, लक्ष्मी नारायण के रूप में देखेगा किसी भी चीज में, पहले अपना पहले ढूंढ लेगा कहां क्या है, मुझे मिल क्या रहा है, आमद क्या है। वैश्य भूमि वो है, और वैश्य भूमि जहां पर आप, वैश्य वर्ण ये है, वैश्य भूमि जहां पर आप जाएंगे वो उस पे जब पानी पड़ता है, मेरा जो अनुभव है, मैं इन चीजों को बहुत, जब मैंने इस पे रिसर्च करके वाइवा बना के पीएचडी 3 बुक देकर दिया था तो, और ये भूमि वगैरह भी देना पड़ता है, ये सारी चीजें होती हैं, उस टाइम से चलता आ रहा है। बाकी आप जब भी कभी ध्यान में रहेंगे या ध्यान से जिएंगे तो आपको अधिकतर ये चीजें दिखाई देने लगती हैं कि आपके साथ पल पल क्या हो रहा है, आपके शरीर में पल पल क्या हो रहा है, बाहरी तत्व का कहां से अनावरण हो रहा है आपके शरीर पे, पल पल जीना आप शुरू कर देते हैं ध्यान से। वहां पर आपको समझ में आती है ये चीजें कि ये मिट्टी दिखने लगेगी ना, फिर इस मिट्टी पे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, इस मिट्टी पे ज्यादा देर तक मुझे पैर सिकोड़ना क्यों पड़ा, कहीं से ये पढ़ा, ये कहीं आपको बुक में नहीं मिलेगा, आपको ऐसा दिखता है कि मुझे, मैं यहां पर जो हाथ धोया तो सीधे आ गया और यहां पर हाथ धोया तो मेरा पैर पीछे गया, तो मेरा पैर पीछे क्यों गया था, फिर आप दोबारा जाएंगे फिर करेंगे तो मेरा पैर पीछे इसलिए गया था। ये इनर सेंस है बॉडी में कि अगर मक्खी अभी मेरे आंख में आए ना तो आंख अपने आप बंद हो जाएगा, तो उस टाइम पैर जो पीछे गया ना तो इनर सेंस है, वो पानी पड़ा तो पीछे गया, फिर आप इस पे रिसर्च करना शुरू कर देंगे। मेरा शूद्र भूमि वाले पानी पे रिसर्च नहीं है, वो ऐसा मकान ही बहुत कम मिला मुझे जो बंद पड़ा हुआ है, जो उस पे आप काम भी मत करो, आप उसकी भूमि फिर चेक कर लो, उस पे फिर दोबारा काम इसी हिसाब से। दूसरा शूद्र भूमि चारों भूमि को
परखने का एक और तरीका है, आप किसी घर में, आप गड्ढा तो करने नहीं देगा, किसी फ्लैट में जाएंगे या कहीं पर जाएंगे या बने बनाए मकान में जाएंगे तो गड्ढा तो करने नहीं देगा। आप एक हवन कुंड टाइप में ले लो, हवन कुंड को बना लो, उस घर की मिट्टी से बनाओ। अगर ऊपर वाला मंजिल है तो नीचे से, या नीचे वाला भी है तो उस घर के आसपास की मिट्टी से बनाओ, वहीं की मिट्टी से एक आप कुंड बनाओ। उसके चारों कोने पे, चारों दिशाओं में दिए रख दीजिए, मिट्टी के दिए रखिए और उसको जलाइए। चारों में से एक दिया ज्यादा जलेगा, चारों दिए ज्यादा नहीं जलेंगे, एक दिया की लौ ज्यादा होगी। वो जिस दिशा की होती है, उत्तर दिशा की होती है तो ब्राह्मण भूमि हो गई, अगर पश्चिम दिशा की होती है तो वैश्य भूमि हो गई, दक्षिण दिशा की होती है, अगर दिया ज्यादा जलने लगे दक्षिण दिशा की होती है तो आपकी शूद्र भूमि हो गई, और पूर्व दिशा की होती है तो ये क्षत्रिय भूमि हो गई। आज के टाइम में जिस हिसाब से मैं करता हूं, या मैंने, ये वैदिक विधि है, ये मैंने नहीं बताया है, ये मैंने पढ़ा है, इस पे मैंने प्रैक्टिकल किया हुआ है, और प्रैक्टिकल कई जगह किया हुआ है तो वहां पर ये मुझे पाया गया, ठीक मिला मुझे। और उस घर के फिर लोगों की जो हाव भाव व्यवहार है वो भी इसी तरह से पाया जाता है। जिस घर में, जिस भूमि पे वो रह रहे हैं, जिस पृथ्वी पे जी रहे हैं, ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी में जो जी रहा है वो इसी के हिसाब का होगा ना। ये हो गई भूमि के प्रकार, हो गए चार। इसमें आप देखिएगा, इसमें आप प्रैक्टिकल करके बताइएगा कैसा रहा।